और ये लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सैंडविच। टेस्टी तो है ही, देखने से ही पता चलता है, साथ ही काफी हेल्दी है क्योंकि हमने इस पे ये जो बैटर अप्लाई किया है उसे मैंने आलू से बनाया है। जी हाँ, बटर खाते हुए अब आपको वेट बढ़ने की भी चिंता नहीं है क्योंकि हम आलू से ही बहुत ही टेस्टी बटर बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि आलू बच्चों का फेवरेट होता है, साथ ही बड़ों को भी पसंद आएगा और आपको भी ये बेहद पसंद आने वाला है क्योंकि बनाने में समय बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम सामान लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ आलू। तो चलिए झटपट से स्टार्ट कर लेते हैं ये अलग से सैंडविच की एक बढ़िया सी रेसिपी। आलू बटर या पोटैटो स्प्रेड बनाने के लिए हमें जरूरत होगी कच्चे आलूओं की, और ये मैंने मीडियम साइज के 4 कच्चे आलू ले लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसे 2 से 3 सीटी देकर उबाल लेंगे। और आलू को उबालने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में कर लिया है और उबालते हुए जितना हम नॉर्मल पानी डालते हैं उससे कुछ ज्यादा पानी डालकर हम इन आलुओं को उबालेंगे। और बस अब प्रेशर का ढक्कन लगा देते हैं और 3 सीटी आने तक इसे उबलने देंगे। एक एक करके प्रेशर कुकर में 3 सीटियां आ चुकी हैं, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और बस अब प्रेशर को खोल देते हैं। और आप देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल अच्छे से उबल चुके हैं, हल्का सा इसमें फट भी गया है। और इसी तरीके से उबले हुए आलू की हमें जरूरत है पोटैटो स्प्रेड या आलू बटर बनाने के लिए। आप एकदम फ्रेश उबले हुए आलू का इस्तेमाल करें, फ्रीज में रखे हुए आलू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, उससे आपका जो पोटैटो स्प्रेड बनेगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। बस छोटी सी टिप है कि आलू फ्रेश होना चाहिए और गर्म होना चाहिए। और बस अब हम आलूओं को छील लेंगे। आलू जब अच्छे से गर्म हो उसी समय आप आलूओं को छील लें और एकदम गर्मा गर्म आलूओं को मैंने छील लिया है। और उसके बाद बस हम इसे रफली तोड़ लेंगे। शायद आप देख भी पा रहे होंगे कि कैमरे पर अभी भाप आ रही है क्योंकि आलू काफी गर्म है। पोटैटो स्प्रेड को एक बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट देने के लिए मैंने लिए हैं ये 2 हरी मिर्चें, जिसे हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप इसमें डालिए 1 आलू के हिसाब से 2 लहसुन की कलियां, जिसे मैंने छील लिया है वो भी डाल दी। और साथ ही लिए थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां जिसे बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया वो भी बारीक काट लिया है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। लहसुन और हरी मिर्च को हल्का सा चर्न कर लेते हैं। दोनों चीजें अच्छे से चर्न हो चुकी हैं और अब ये जो आलू हमने गर्मा गर्म फोल्ड कर रखे थे, ये हमने इसमें 4 मीडियम साइज के आलू लिए थे। वजन में देखेंगे तो करीब हमने 250 ग्राम आलू लिए थे और उस रेशियो से हम इसमें डालेंगे करीब 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश मलाई। मलाई फ्रेश होनी चाहिए और इसकी जगह आप चाहे तो मिल्क पाउडर का यूज कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम का यूज कर सकते हैं। ये मलाई डाल देने से हमारा जो स्प्रेड बनेगा वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का बनेगा। 1/2 टीस्पून जितना नमक डालेंगे, नमक आप इसमें बहुत ज्यादा ना डालें क्योंकि हम इसे ब्रेड पर यूज करेंगे और ब्रेड में ऑलरेडी नमक होता है। और ये मैंने लिए हैं 8-10 कुटी हुई काली मिर्चें, ये भी डाल देंगे। और इन सब चीजों को अब एक साथ चला लेते हैं। आलू बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है और अगर आप इसे एक अच्छा येलो कलर देना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा खाने वाला येलो कलर, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही जो धनिया और पुदीना काट के रखा था वो भी डाल देंगे। और बस कुछ सेकंड के लिए हम इसे और चलाएंगे जिससे सब चीजें आपस में कंबाइंड हो जाएंगी। और बस कुछ सेकंड चलाया और हमारा ये बहुत ही बढ़िया पोटैटो स्प्रेड या आलू बटर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे जिस तरीके से हम ब्रेड पर बटर अप्लाई करते हैं बिल्कुल उस तरीके से अप्लाई कीजिए। मैं ये तो नहीं कहती बटर जैसा टेस्ट करेगा, परंतु यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी हमारा पोटैटो स्प्रेड या आलू का बटर बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे मेयोनीज की तरह यूज में ला सकते हैं और चाहें तो आप इसे बटर की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अब बारी है इसे सैंडविच बनाने की। इसके लिए अच्छे से अमाउंट में हमें इस तरीके से इसे स्प्रेड कर लेना होगा। आप जितने अच्छे से इसे लगा लेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, बच्चे और बड़े दोनों को बेहद पसंद आने वाला है। और चारों प्लेटों पे अच्छे से मैंने बटर अप्लाई कर दिया है और अब हम इस पर डालेंगे बिल्कुल थोड़े थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर और साथ ही डालेंगे थोड़े से प्याज।
अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर दीजिए, और बिना प्याज लहसुन के भी आप इसे बना सकते हैं, और उसके बाद भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। साथ ही सीजन में आया हुआ ये खीरा भी डाल देते हैं जिससे और भी अच्छा टेस्ट करेगा। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इस पर डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी लाल मिर्ची। अगर आप बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे हैं और बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला, और लास्ट में डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया। और ये लीजिए तैयार हो गए आलू के बटर से बने हुए ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सैंडविच। और आपने देखना बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स है, उन्हें फॉलो कीजिए। इस लॉकडाउन में आप बिना बटर के ही ये आलू बटर वाले सैंडविच की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा लेकर। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।